के ऊपर हम दू शब्द जरूर कहल चाहब। आदरणीय पारसनाथ राय जी आपे लोग का बगल का गांव सिखड़ी कहूंगा, पिछला 40 साल में अनेकों अनेक परिवार के गरीब बच्चन के पढ़ा लिखा के लोग का जीवन सुधारे के काम आदरणीय पारसनाथ राय जी कैले बना। और दूसरा तरफ जो प्रत्याशी बहु का करेला ओके अपन केस अपन मुकदमा से फुर्सते नहीं थे तो आदमी को हाल का जाने। हमार माता बहन हमार चाचा लोग आप लोगों से हम निवेदन करें कि आवे वाला 1 जून के आप लोग अपन मतदान अपन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करी जा। आप लोग का लड़का आप लोग का भाई या आप लोग के विश्वास दिलावत बात कि गर्मी होके जाड़ा होके दिन होके रात होके एक बार याद करो आप लोग के बीच में अभिनव सिन्हा खड़ा रही है। आखिरी में बस हम एक बात कहूं कि अगर 2024 में आप लोग मौका दे दीजिए पारसनाथ राय जी के सांसद भेजे का तो बनारस छोड़ के पूर्वांचल में कोनो जिला ना हो जो गाजीपुर से विकास का मामला में कंधा से कंधा का बराबरी करे। तो इतने कह के एक बार फिर आप लोग हमसे प्रार्थना करके आप लोग अपन समर्थन भाजपा के दे जा अपन सांसद चुनी जा यहाँ आयदा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जन चौपाल कार्यक्रम में मंच पर विराजमान इस विधानसभा के संयोजक आदरणीय ओम प्रकाश राम जी, हम सबके बीच यहाँ विराजमान मंच पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई अटल सिंह जी, यहाँ हम सबके बीच मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी जिला की उपाध्यक्ष बड़ी बहन सरोज मिश्रा जी, भोजपुरी में बोले तो ठीक रही भैया, जी देखिए आज जो कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमके आवे का मौका मिलल बा जन चौपाल कार्यक्रम बहुत का है बा कार्यक्रम का। जी देखिए मुख्य रूप से आप लोगों के 2-3 चीज समझावे खातिर हम आप लोगों के बीच में आई बने। जी देश के इतिहास में शायद पहला बार ऐसा चुनाव हो रहा बा जिनमें चुनाव का घोषणा से पहले ही तय हो गई कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनी है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी का आई। मगर हमन का जी एगो जिसम देश में कहल जाला कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र का रहने वाला लोग है जा आई चुनाव हमन खातिर काहे जरूरी बा ओ बिंदु से 2-4 बातन के आप लोगों के समझा के हम अपन 4 शब्द समाप्त कर। देखिए कोनो विकसित समाज खातिर जो पहला शर्त है तो पहला शर्त यह है कि वो समाज में शक्ति का संचय होके और लोकतंत्र में सही मायना में शक्ति का कोनो पर्याय है तो यहां का जनता जनार्दन है। आई जनता जनार्दन का कल्याण करे वाला ही वास्तविकता में लोकतंत्र के ठीक ढंग से आगे बढ़ा सकेगा। आप लोगों का आशीर्वाद से आप लोगों का समर्थन से 10 साल पहले जब ये देश का कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ में गई तो 2014 से लेके जी आज 2024 तक उनकर प्रयास इन्हें रहल बा कि समाज का अंतिम पंक्ति में जे खड़ा महिला बाड़ी सा जे किसान बा जे युवा बा जे गरीब बा ओकरा जीवन में मूलभूत बदलाव कैसे ले आवल जाए। जी 2-4 गो आंकड़ा हम आप लोगों के बीच में रखल चाहब। अभी एगो हमार बहन कहत रही है कि कुछ मिलत नहीं थे
एकदम दीदी आपका बात से हम सहमत वाले, मगर यहाँ जितना परिवार बा केहू हाथ उठा के आप बोल दे कि हमारा परिवार में मोदी जी या योगी जी का एक को योजना का लाभ नहीं मिला तो हम बोलल बंद कर दे। मगर हमन का ये नहीं कहा जा कि हमन का कुल काम कह दे लीजिए, केहू के राशन मिलत बा, केहू के सिलेंडर मिलल बा, केहू के शौचालय मिलल बा, केहू के घर मिलल बा, केहू के आयुष्मान कार्ड मिलल बा, केहू के किसान सम्मान निधि से पैसा मिलत बा, केहू के वृद्धा पेंशन मिलत बा। तो जी देखी हमन का बड़ा ईमानदारी से प्रयास रहल बा कि सरकार के योजना के उठा के आप लोगन के बीच में पहुंचावल जाए। हमन का ये नहीं जा कबो कहत कि हमन का कुल काम कह दे लीजिए, मगर एक बात जी हम बहुत ईमानदारी से कह सकी ना कि देश के 70 साल में ये पहला सरकार है जो ना अपन योजना देवे में ना आप लोग का जात पूछे ले, ना आप लोग का धर्म पूछे ले, ना आप लोग का क्षेत्र पूछे ले। जे भी पात्र बा ओके चिन्हित करके ओके खोज के सरकारी योजना ओके पहुंचावे का प्रयास इस सरकार कर रहा है। मगर हमार चाची हमार बहन हमार चाचा लोग एगो बात समझी जा कि हमार का देश बहुत बड़ बा, यही खातिर आज आप लोगन के बीच में हम आइल बानी कि आवे वाला 1 तारीख के आप लोग अपन समर्थन एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के दे जा। जी 2-4 को आंकड़ा हम आप लोगन के बीच में रखत बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चिंता भई